देख रहे हैं, जैसे हमारी बात हो रही थी, कुछ कॉशियस एलिमेंट्स आप इस समय पॉइंट आउट करना चाहेंगे हमारे देखिए, एक लिए? तो क्या है, अनयूजुअली लंबा वीकेंड है, तो हर व्यक्ति के हृदय में एक संशय छिपा होता है, और जब बाजार से दूर उसको लंबे समय रहने मिलता है तो संशय बढ़ जाता है। वो जो भी पोजीशन लेकर आया है उसके बारे में हर व्यक्ति को ये डाउट होता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। तो लंबी छुट्टी के बाद जब बाजार खुलते हैं तो तेजी वाले लोग मंदी में आ जाते हैं, मंदी वाले तेजी में आ जाते हैं। तो अक्सर बड़ी लंबी छुट्टी के पहले वाला जो आखिरी दिन होता है, वो अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसका अंतिम चरण होता है, अप ट्रेंड होता है तो उसका अंतिम चरण होता है 80 से 90% बार। और इस बार ये लंबी छुट्टी जो है भारत में 4 दिनों की है, तो अमेरिकन मार्केट्स में 3 दिनों की छुट्टी है, यूरोपियन मार्केट्स में भी 4 दिनों की छुट्टी है, सोमवार को यूरोप बंद है। तो ट्रेडिंग के संदर्भ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हॉलीडे गैप्स, ये एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल जोन होते हैं। पिछले 5-6 दिनों से अगर बाजार थोड़ा नरमी की तरफ है, 18,150 दिखाने के बाद घूम फिर कर 17,500 के इन स्तरों से जूझ रहा है बाजार, कोई जान नहीं दिखा रहा है, तो मैं अनुमान लगाऊंगा कि ये करेक्शन जो है करीब करीब खत्म होने पर है, एक और अंतिम उछाल ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो अगर निफ्टी को मैं 17,400 को अपना बेस पकड़कर चलूं कि 17,400 के नीचे हम सरेंडर हो जाएंगे, और 17,740 के ऊपर जब निफ्टी चलती है तो हम अपने तेजी का सौदा डबल करेंगे। 18,150 जो पिछला रेजिस्टेंस है उसके आसपास कुछ हिचक हो सकती है, बट इवेंचुअली 18,350 18,400 तक ये मार्केट हमारा जाना चाहिए। और अगर मैं S&P नैसडैक की तरफ देखूं, तो अगर सोमवार को भी जब अमेरिका खुलता है, और आज अभी जिस स्तर पर है करीब करीब उसी स्तर पर भी बंद होने में सफल हो जाता है S&P 500 सोमवार को, तो तब जाके मैं सोमवार को उस बंद भाव को देखने के बाद 4,405.10 के ऊपर का बंद अगर दे देता है, तो सोमवार की शाम को हम ये कॉल निकालेंगे कि S&P 500 ने अब अपनी ऑल टाइम हाई की तरफ यात्रा शुरू कर दी है। और बाकी भी दुनिया के बाजारों को, मैं फुटसी को, डैक्स को देखूं, निकेई को देखूं, तो कहीं भी किसी इंडेक्स को बेच कर कोई आ, आ, बढ़िया रुपया आ जाए ऐसे कहीं चार्ट है नहीं। तो बायस तेजी का है, और इसी तेजी के बीच क्रूड जो है वो बड़ा विचित्र सा चार्ट बना रहा है। अभी हम जो क्रूड के जिस भाव पर बैठे हैं, 102 का ये जो रेजिस्टेंस है डॉलर पे, लाइट क्रूड पे, अगर इसको तोड़ के क्रूड अभी निकल जाए तो एक बार झटके में 116 118 तक की चाल आ सकती है, जो कि मैं सोचता हूँ ज्यादा अच्छा होगा अगर वो जहर आना ही है, तो उसके बाद सीधे 62 की चाल। पर अगर क्रूड ने 102 का आज रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा और अगले 2-3 दिन में 93 की तरफ वापस चला जाता है, जिससे कि क्या पता शेयर बाजार में और भी तेजी जस्टिफाइड हो जाए, तो 93 तोड़े बिना अगर वापस क्रूड नीचे से ऊपर आके 102 के ऊपर निकल जाता है, तो एक असंभव दिखने जैसी घटना भी हो सकती है, क्रूड में एक नया उच्चतम स्तर आ जाए, एक नया हाई आ जाए 135-140 का। तो ऐसी घटना तो अगर होगी तो कोई बहुत ही डिसरप्टिव न्यूज पर ही होगी। तो युद्ध के इस चरण पर जहां युद्ध अब थका हुआ लग रहा है, क्या पता कोई कोई सा पक्ष ज्यादा ही उत्तेजित हो जाए, तो इन सब संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए और 4 दिन की लंबी छुट्टी को ध्यान में रखते हुए हमारी डेस्क पर हमारे क्लाइंट्स के लिए हमने जिन स्टॉक में हमारे पास मोटी बढ़त हम हासिल कर चुके हैं उन्हीं पोजीशंस को छुट्टी के 4 दिनों में लेकर जाएंगे, और सोमवार को वापस आके अगर कोई घटना अनहोनी नहीं घटती है 4 दिनों में, इन 4 दिनों में, तो इसी ध्यान के अनुसार नए सौदे बैठाएंगे। और निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे एक व्यू ले लेना और 4 दिन की छुट्टी में एक सौदा खड़ा रखना, ये अपनी अपनी एक निजी चॉइस है, जिसके अनुसार मैं कहूंगा आपके दर्शकों को खुद के लिए सोचना चाहिए।